देखो साहब, अपन थोड़े में समझाने की कोशिश कर रहा है। अपन को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना आपके वतन में, ना वतन के दोस्तों में, ना वतन के दुश्मनों में। आप में क्या, मुझे तो अपने आप में दिलचस्पी नहीं है साहब। क्या आप अपन को जिंदगी देने आया क्या साहब? जिंदगी देने नहीं, तुमसे जिंदगी मांगने आया हूं। यानी मौत उधर भी और मौत इधर भी। हा? यहां मरे तो जिल्लत की मौत मिलेगी तुम्हें, और अगर वहां मरे तो शहीद कहलाओगे भाई जुतू। यानी मरना 100% है इचना साहब। नहीं, अगर बच के वापस आ गए तुम तो सारी दुनिया से मान मिलेगा तुम्हें। ये कुछ बात हुई। भागने का सही रास्ता है भिड़ू। सही, बहुत सही रोशनी दिखाया साहब। चलें सर। नासिक जेल से एक कैदी चुनने के बाद राणा साहब हैदराबाद की जेल में गए हैं, और वो जिस कैदी से मिलने गए हैं वो खुद एक टेररिस्ट रह चुका है। सुना है पकड़े जाने से पहले बीएसओ वालों ने उसका दाहिना हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया उन्हें, मेरा हाथ आवाज बना दिया मुझे हरामियों ने। ये हाथ से बंदूक चलवाया मुझसे, किस किस पर? अंधा था मैं साला, अंधा था। भरोसा किया मैं उनपे। एक दिन बोले मेरे को खून करना है, हीना का खून। हीना का खून, मेरी माशुका का खून। पुलिस वाले की बहन थी उन्हें, मैं इनकार किया। तो उन्हें मार डाले हीना को, छीन लिया मेरा हाथ। रेक्सन, बहुत साला डॉक्टर डैंग का चमचा, हरामी सुअर का पिल्ला। उसकी बोटिया नोच को चीरा को नहीं खिला दी तो नाम नहीं मेरा खैरू। लेकिन सरकार, आप जाओ, सरकार का और मेरा जोड़ी कभी नहीं जम सकता। सोचना बेकार है, जाओ। मुश्किल ये है खैरू कि तुम दिल से सोचते हो, दिमाग से नहीं सोचते। आज 16 सितंबर है, खबर है मेरे को 21 सितंबर को तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तुम इस दुनिया से चले जाओगे, उसी रात रेक्सन और डॉक्टर डैंग तुम्हारी मौत का जश्न मनाएंगे, और तुम, तुम्हारे इरादे इसी जेल की चार दीवारी में दफन होकर रह जाएंगे। वो बात दुरुस्त बोले आप। मैं साला दिल से सोचता हूं, दिमाग से नहीं। दिल वालों से मेरा हमेशा करीब का रिश्ता रहा है। भरोसा करते हैं आप मुझ पे? उन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का खून किया, तुम मेरे भरोसे का खून नहीं करोगे, ये मैं जानता हूं। ये तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकते हैं। बचा सकते हो तुम मुझे फांसी के फंदे से? बचा सकते हो, लेकिन कैसे? अगर तुम राणा साहब की सब बातें मान लो तो। राणा साहब, अरे राणा साहब, फिर तो आप मेरे भगवान, में आपका पुजारी, मेरे आका, मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे सब कुछ, मेरे प्रभु, मेरे अल्लाह, मेरे सब कुछ, मुझे बचा लियो। मैं आपके जूतों की धूल की कसम खा रही हूं, मुझे बचा लियो। मैं सच कह रही हूं राणा साहब, जिस दिन से जज साहब ने फांसी का हुक्म सुनाया मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैला कपड़ा खूंटे से लटके है और मैं फांसी के तख्ते पर लटक रही हूं। ये सोच सोचकर मेरी गर्दन यूं लंबी होती जा रही है। मेरे दद्दू मुझे बचा लियो, मुझे मरने से बहुत डर लागे। पहली बार है ना, मरने की प्रैक्टिस नहीं है। क्यों है बोलो ना, बत्ती जलाओ। पहले तुम पांव छोड़ो। छोड़ दिए, बत्ती जलाओ भगवान। जाने एक बात तुम अपने दिमाग की गिरह से बांध लो अच्छी तरह, और ये समझ लो कि ये जिंदगी जो अब हम तुम्हें दिलवा रहे हैं, इस पर तुम्हारा हक नहीं, हमारा हक होगा। आप ही का हक है मालिक। मैं ये समझूंगा कि मैं मर गया, डेड, बिल्कुल डेड। अब ये जिंदगी आपके इशारे पर नाचेगी। आप बोलेंगे उठ जाओ तो मैं उठ जाऊंगा, आप बोलेंगे बैठ जाओ तो मैं बैठ जाऊंगा, जो आप बोलेंगे वही करूंगा, कसम से।
टीका हमारे माथे पे क्यों है? बकरा कटने से पहले उसके माथे पर टीका लगते देखा है? बस समझ जा बेटे। अपनी बहन का ख्याल रखना ब्रेन। रुक्मिणी, मैं तुम्हारी एक चीज चुरा के साथ में ले जा रहा हूं। तुम तो नहीं होगी वहां, लेकिन तुम्हारी आवाज रहेगी मेरे साथ। कुछ भी बोलो राणा साहेब, क्या फेस बदला आपने? अरे साहब, ये पैंचो कौन बजा रहा है? मेरा छोटा बेटा अनिल। वाह, वैसे अपन भी बैंजो बहुत अच्छा बजा लेता साहब। जानता हूँ मैं, इसीलिए तो लाया हूँ तुम्हारे लिए एक। क्या बात कर रहे हो साहब, जियो। अरे सुना तुम लोगों ने, दादा ठाकुर ने मेरे लिए बैंजो लाए हैं, बैंजो। दादा साहब ये धुन सुनाओ बजाकर। हाँ। अरे राणा साहब, दादा ठाकुर आप तो कह रहे थे कि हमको हजारों मील दूर जाना है। अरे क्या सारे रास्ते हमको ये बोरिंग भजन सुनना पड़ेंगे? अरे कोई फिल्म फिल्म का गाना बजाओ ना। कैके पान बनारस वाला, कैके पान। ये भजन नहीं है जॉनी, ये हमारी पत्नी का लिखा हुआ एक गीत है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। जेल में हम सब साथ मिलके गाया करते थे ये गीत। पाए मेरे घर भगवान आया, लेकिन इतनी भयानक खबर सुनकर ये आंसू नहीं रुकते साहब। इन आंसुओं को रोकना होगा धर्मा, ये आंसू एक राज रहेंगे जब तक कि हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते। ये राज मेरे सीने में रहेगा राणा साहब। राणा साहब नहीं, दादा ठाकुर। जी हाँ, दादा ठाकुर। ये भारत की सीमा है दादा ठाकुर। डॉक्टर डैंग के पकड़े जाने से पहले यहाँ बीएसओ के आदमियों और ट्रकों का आना जाना बहुत था, पर अब नहीं। ये सीमा की वो जगह है दादा ठाकुर, जहाँ से काफी विदेशी घुसपैठ हमारे देश में घुस आए हैं। दादा ठाकुर, कहते हैं कि सीमा के उस पार इन बीएसओ वालों ने एक बहुत बड़ा कैंप लगाया हुआ है। डॉक्टर डैंग, आपके आने से हम सब बहुत खुश हैं। डॉक्टर, तुमने अच्छी तरह से मालूम कर लिया ना? एनीवे, आई विल फिक्स हिम अप। डॉक्टर डैंग जी हां। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर डैंग, आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी, हमारा ग्रेट फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू लक्ष्मी नारायण। आप भारत सरकार के बहुत बड़े अफसर हैं और आप हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। हमने इनके अकाउंट में $50,000 जमा करा दिए हैं। किटम किटू, आपने इनको हमारे यहाँ ज्वाइन होने के असूल बता दिए ना? हाँ जी, सब बता दिया। बीएसओ में शामिल होने से पहले हम लोग एक धार्मिक शपथ लेते हैं। वो रही शपथ लेने की जगह, और ये रहा नारियल। नारियल कहाँ है? ये नारियल लीजिए, वहां जाकर फोड़ दीजिए। यानी आपने शपथ ले ली और आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए। जाइए फोड़ दीजिए। जी अच्छा। God is great. मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रैक्सन की तुम नहायत ही बेवकूफ हो। क्या मतलब सर? ये आदमी हमसे मिलने नहीं, हमारी तबाही के लिए आया था। What? हिंदुस्तान की सीआईडी का आदमी था। 1947 में हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने मेरे बाप की हत्या कर दी थी, और उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ना एक दिन हिंदुस्तान को तबाह कर दूंगा। एक साल में किट्टम किट्टू साहब, मैं हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। God is great. हम चाहते हैं कि उस टुकड़े की राजगद्दी पर आप जैसा पावरफुल आदमी बैठे। God is great, sir.
इसके लिए आपके जैसे पावरफुल लीडर भी होना चाहिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है किट्टम किट्टू साहब, इसीलिए बीएसओ ने फैसला किया है कि हम आपके जंगलों में अपनी सुरंगें बनाएंगे ताकि हमारा असला और बारूद आसानी से हिंदुस्तान पहुंचाया जा सके। माय गुड लक सर, मेरा जंगल आपका जंगल, बहुत शांतिप्रिय, नो प्रॉब्लम। मंदिर जा जाकर तब तक अपना सर फोड़ती रहेगी, घर के बर्तन कपड़े कौन धोएगा तेरा बाप? हाँ बस चाची, आज सोमवार की आखिरी पूजा थी, मैंने कर ली। हे भगवान, तू 16 सोमवार रात या 16 शुक्रवार, तुझे पति नहीं मिलने वाला। आपकी परेशानी देखकर ही तो मैं परेशान हो जाती हूँ चाची, कब तक सोच बनी रहूंगी आप पर? कल रात मेरे सपने में शिव जी आए थे। बस बस फटाफट फटाफट जा घर जा और काम कर, मैं बाजार से साबुन खरीद कर आती हूँ, चल जा। आई बड़ी शिवजी वाली, शिवजी शिवजी शिवजी। गांव में काफी हरियाली है भिड़ो। यार तू छोकरी देखते हरा भरा क्यों हो जाता? यार मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मेरा घर भी हरा भरा हो। हाँ पूरी करेंगे दादा ठाकुर तेरी माँ की इच्छा, चल लेटते हैं। मुजरिम से सिपाही बनने के लिए अनुशासन, जंग के नियम, तौर तरीके सब सीखना बहुत जरूरी है उनके लिए। जी हाँ, कौरवों से लड़ने के लिए पांडवों की शक्ति का होना बहुत जरूरी है। मौत से इनके संघर्ष की वो ट्रेनिंग कल से शुरू होगी धर्म। सुना भाइये। सुन रहा हूँ। किसका सन? बुढ़ाऊ शहीद करवाएगा? बहुत भोला है बेचारा जेलर। कैसे? बहुत जल्दी भरोसा किया हम लोगों पर। क्या मतलब? मतलब जानी तो ये सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या 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 क्या? यहाँ से भागने का। एक बात पूछूं भाईजू, तो हरामी एक जैसा कैसा सोच लेते? मैं भी आइडिया लगा रहा था भागने की। कैसे? वो देख, वो मैं जब सर्कस में था ना तो जानवर जानवर खेलता था। चल खेलते। दादा ठाकुर वो दोनों सुबह से गायब हैं, लगता है भाग गए।